देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कठुआ गैंगरेप मामले में पीड़िता की वकील दीपिका सिंह राजावत ने अपनी जान के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि आज मुझे नहीं पता, मैं अपने होश में नहीं हूं। मेरा बलात्कार किया जा सकता है या मुझे मार दिया जा सकता है और वो मुझे अदालत में प्रैक्टिस भी ना करने दे। उन्होंने कहा कि मुझे लगातार रेप की धमकियां मिल रही हैं। दीपिका ने कहा कि वो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं इसे सुप्रीम कोर्ट को बताऊंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो न्याय के लिए खड़ी है और 8 साल की लड़की और 8 साल की उस मासूम बच्ची के लिए वो न्याय चाहती हैं। आपको बता दें कि जम्मू के कठुआ जिले में हीरानगर तहसील के रसाना गांव में बकरवाल समुदाय की बच्ची का अपहरण होने के बाद झाड़ियों में उसका शव मिला था। कठुआ के रासना गांव में जनवरी में बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी संजी राम समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और विशेष पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने मामले की चार्जशीट में बच्ची के साथ दरिंदगी की कहानी बताते हुए सभी आरोपियों का ब्यौरा भी दिया है। देखें ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।